Morning kids, I hope you all are safe and fine. बच्चों, आज हम आपकी जूनियर के जी की बुक में लेटर पढ़ेंगे क्यू. सो ओपन योर जूनियर के जी इंग्लिश बुक एंड लेट अस स्टार्ट. तो बच्चों, ये आपकी प्रैक्टिस इंग्लिश विद पॉपकॉर्न जूनियर के जी की बुक ओपन की. ओके, तो उसमें हम क्या सीखेंगे? लेटर क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू. तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है कि ड्रेस एंड से अलाउड क्यू. तो क्यू को हम क्या बोलते हैं? क्वा, क्वा बोलते हैं. यहाँ पे क्यू फॉर क्वीन है, क्वीन का मतलब रानी. क्यू फॉर स्क्वेशन, हम किसी को स्क्वेशन पूछते हैं तब यहाँ पे पीछे ऐसा सिंबल आता है. फिर क्यू फॉर क्वील, क्वील मतलब ये जो पीछा जो बर्ड पे होता है, राइट. अब से ड्रेस एंड राइट, तो क्यू आप कैसे लिखोगे? तो क्यू वो रेड टू ब्लू लाइन में ऐसे आपको गोल करना है और ऐसे क्रॉस लाइन बना देनी है छोटी वाली. ऐसे क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, राइट बच्चों. पहले आपको यहाँ पे ऐसे ड्रेस करके ऐसे गोल करना है और ऐसे क्रॉस लाइन बनानी है. पहले ऐसे ट्रेस करो और फिर लिखना है क्यू फॉर क्वीन. ओके, अब हम लिखेंगे स्मॉल क्यू. तो स्मॉल क्यू कैसे आएगा? ये ब्लू लाइन से नीचे की साइड ले जाओ और हाफ राउंड करो. ये हम उल्टा पी जैसे करते हैं, राइट बच्चों. आपको पता है हम ए बी सी डी में पी, तो पी कैसे करते थे? तो हम पी ऐसे करते थे, है ना. तो ये क्यू कैसे करना है? ये ऐसे उल्टा पी कर देना है. तो ये हो गया आपका स्मॉल क्यू. ओके बच्चों, समझ में आया? तो आपको ये क्यू लिखना है. अब करते पेज नंबर 38. इसमें क्या लिखा है कि कनेक्ट द पिक्चर्स दैट स्टार्ट विथ क्यू एंड मेक ए साउंड वेब. तो ये हम क्यू, तो क्यू फॉर क्या आता है? क्यू फॉर क्लॉक आएगा? नहीं आएगा. क्यू फॉर ये पेंसिल, तो वो भी नहीं आएगा. तो क्यू फॉर क्या आएगा? क्यू फॉर क्वीन, फिर क्यू फॉर क्वील. ओके बच्चों, आगे देखते हैं. अभी ये पेज नंबर है, आगे लेटर आर. तो हम वैसे ही आर सीखते हैं. आर मतलब र, तो उसको हम आर फॉर रिंग. रिंग का मतलब क्या होता है? रिंग का मतलब होता है जो हम हाथ में रिंग पहनते हैं, वो रिंग. आर आर फॉर रेनबो एंड आर फॉर रैबिट. ओके, आप स्काई में ऐसा रेनबो देखते होगे, है ना. ओके, तो हम आर लिखते हैं अभी. तो आर को पहले हम ऐसे ट्रेस करेंगे कि स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल और क्रॉस लाइन. आर फॉर रैबिट, वैसे आपको लिखना है. अब आपको यहाँ पे देखो कि रेड टू ब्लू लाइन में ऐसे पी करना है, फिर ऐसे क्रॉस लाइन करनी है. ये बन गया हमारा आर. आर फॉर रोज भी बोल सकते हो, रोज का मतलब गुलाब का फूल. आर फॉर रोज. अब ये स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर आप कैसे लिखोगे? स्मॉल आर आपको ब्लू लाइन में ही लिखना है. तो आप स्टैंडिंग लाइन करो और ऐसे क्रॉस करो. ये हो गया आपका स्मॉल आर, राइट बच्चों. अब आपकी ये लेटर आर है, उसको आपको ज्वाइन करना है कि आर फॉर क्या होगा. तो आर फॉर होगा रोज, राइट. तो आर फॉर रोज, फिर आर फॉर क्या होगा? आर फॉर रेन. रेन का मतलब होता है बारिश, तो ऐसे आपको ज्वाइन करना है. आर फॉर रेड, तो रेड पे ज्वाइन करो. अब आपकी कर्सिव की बुक में हम देखेंगे लेटर क्यू. ये आपकी कर्सिव जो बुक है अल्फ़ाबेट, उसमें है जो लेटर क्यू. तो ये भी आपको मैंने आपको स्मॉल क्यू सिखाया है, तो वैसे आपको ये स्मॉल क्यू करना है, राइट बच्चों. पहले आपको स्मॉल क्यू में ऐसे आपको वन नंबर लिखा है वहाँ पे ऐसे हाफ राउंड करना है, फिर टू नंबर लिखा है वैसे आपको यहाँ पे ऐसे स्टिक जैसा करना है. और क्यू फॉर क्या होगा? तो क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर स्क्वेशन, क्यू फॉर क्वील और क्यू फॉर क्वाइट. ओके, आपको सब में ऐसे स्मॉल क्यू लिखना है. और आगे भी पेज नंबर में है क्यू, वो पूरे पेज में ऐसे आपको क्यू लिखना है. ऐसे तीन लाइन में आपको लिखना है, याद रहे बच्चों. ये क्यू आपको ब्लू से ऐसे रेड लाइन तक नीचे की ओर ले जाना है और लिखना है, राइट. आगे देखते हैं आर.
तो वो पेज नंबर है लेटर आर, वो भी आपको आर लिखना है। तो आर आप कैसे लिखोगे, तो आर आपको ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनानी है, फिर ऐसे आर राइट, आर फॉर रिंग, आर फॉर रैबिट, आर फॉर रोज, राइट बच्चों। ओके, तो ऐसे आपको ये आर फिनिश करना है, आपका आज का होमवर्क रहेगा। ये आपको पूरे पेज में दो पेज खत्म करना है, क्यू और आर राइट। आपको ये दो ब्लू लाइन में ही आर लिखना है। ओके बच्चों, तो आपको पता चला होगा कि आपको आर कैसे लिखना है, राइट। सो टेक केयर एंड बाय बाय।